गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। रेमेडियल साइंस में आज हम साइंस की वर्कशीट करेंगे। सबसे पहले पौधे की संरचना का चित्र सहित आपको वर्णन करना है। पौधे में क्या क्या चीज़ होती है, उसको क्या बोलते हैं, ये सब आपको चित्र सहित बनाना है। ये हमारा पौधा है, ठीक है। ये जो इसके नीचे का हिस्सा, जो जड़ होती है हमारी, वो किस में होती है, मिट्टी के अंदर। रूट, इसको हम इंग्लिश में बोलते हैं रूट, ये हमारी जड़ है। उसके बाद ये जो होता है, ये हमारा क्या होता है, स्टेम यानी तना, जो इसका बेस होता है। उसके बाद ये हमारे क्या होते हैं, फ्लावर यानी फूल। फूल से पहले क्या बनती है, कली यानी बड। बड बड जो पूरी खिल जाती है तभी फूल बनता है। ये हमारी क्या है, बड यानी कली। और फिर फूल खिलने के बाद अगर फल वाला पौधा है तो उसमें फल लगते हैं। ये हमारा क्या है, फल यानी फ्रूट, लीफ यानी पत्ती। इस तरह से ये हमारा किसकी संरचना हो गई, पौधे की। इसको आप बनाएंगे और इसके पार्ट्स के नेम लिखेंगे। और पौधे जो अपना खाना कैसे बनाते हैं, सूरज की रोशनी, पानी और हवा जो होती है, इनसे अपने खाना तैयार करते हैं। फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया होती है, जो प्रकाश संश्लेषण जिसको बोलते हैं, उसी से ये अपना खाना तैयार करते हैं। अगला प्रश्न है मिलान करो। ये इधर जंगली जानवर, पानी में रहने वाले जानवर, पालतू जानवर ये और बोझा ढोने वाले जानवर, इनको आप इधर के जानवरों से मैच करना है कि कौन से जानवर हैं। जैसे गधा, घोड़ा, ऊंट, ये इनमें से कौन से हैं। कुत्ता, गाय, भैंस, इनमें से किस कैटेगरी में आते हैं। मगरमच्छ, कछुआ कौन सी कैटेगरी में आते हैं। शेर, चीता, भेड़िया, ये इनमें से किस कैटेगरी में आते हैं, इनको आपको मैच करना है। ये आप खुद से करेंगे। उसके बाद है नीचे दिए गए चित्रों को देखकर बॉक्स में आर उनके लिए लिखिए जिनको दोबारा हम इस्तेमाल कर सकते हैं। आर मीन्स रीयूजेबल, मतलब दोबारा जिसको हम इस्तेमाल कर सकते हैं। और एन आर उनके लिए लिखिए जिनको हम दोबारा इस्तेमाल नहीं कर सकते, नॉट रीयूजेबल, दोबारा जिनको हम इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो आप इनमें से देखिए क्या चीज़ ऐसी है जिसको हम दोबारा इस्तेमाल कर सकते हैं, उसके बॉक्स में आप आर लिखेंगे। और इनमें से कौन सी चीज़ ऐसी है जिसको हम दोबारा इस्तेमाल नहीं कर सकते, उसमें आप एन आर लिखेंगे। ये आप खुद से सॉल्व करेंगे। अगला प्रश्न है पृथ्वी पर पानी का सबसे महत्वपूर्ण और शुद्ध स्रोत कौन सा है, मतलब क्या कौन सा ऐसा जरिया है जिससे हमें हमारी पृथ्वी पर पानी मिलता है और सबसे शुद्ध रूप में मिलता है। जो तालाब हैं, जो समुंदर है, सब इनको कहाँ से पानी मिलता है, वर्षा, बारिश का जो पानी है उसी के वजह से पृथ्वी पे पानी की कमी नहीं होती, और वर्षा ही सबसे मुख्य स्रोत है पानी का। अगला प्रश्न है पानी की तीन अवस्थाएं कौन सी है, चित्र बनाइए। यह सबको पता होगा पानी की तीन अवस्थाएं होती है, ठोस अवस्था, तरल अवस्था और गैस अवस्था, सॉलिड, लिक्विड और गैसियस। तो आप यहाँ पे ठोस अवस्था का चित्र बनाएंगे, जैसे कि सॉलिड, पानी के सॉलिड क्या होता है, बर्फ बनती है, तो यहाँ आप बर्फ का चित्र बनाएंगे। तरल अवस्था कौन सी होती है, पानी जो लिक्विड होता है। उसके बाद गैस अवस्था कौन सी होती है, जो वाटर वेपर बनती हैं, जैसे कुकर में से भाप निकलती है, पानी से वो बनती है। इस तरह से आप इसकी तीन अवस्थाओं के चित्र बनाएंगे। थैंक यू।